नमस्कार दोस्तों, ब्रेड पकोड़ा तो आपने कई बार बनाया खाया होगा, लेकिन एक बार इस तरह से ब्रेड रोल जरूर बनाकर देखें। बहुत टेस्टी बनते हैं, सभी को बहुत पसंद आएंगे और बनाना तो बहुत ही आसान है। तो चलिए देख लेते हैं। ये देखिए, हमने 5 मीडियम साइज के आलू को बॉईल करके लिया है। इसमें हमने 2 हरी मिर्च काट कर डाली हैं और इसमें धनिया भी बारीक काट कर डाल सकते हैं। इसमें हमने स्वाद के अनुसार नमक, लाल मिर्च, हल्दी पाउडर और चाट मसाला अपने स्वाद के अनुसार मिला सकते हैं। और बस इन सारे मसालों को आलू के साथ में इस तरह से मिक्स करते हुए एक चटपटा सा आलू तैयार कर लेंगे फिलिंग के लिए, जो कि हम ब्रेड रोल में फिल करेंगे। और ये देखिए, 3 चम्मच हमने बेसन लिया है, बारीक कटा हुआ धनिया डाल दिया है, स्वाद के अनुसार इसमें नमक डाला है, हल्दी पाउडर, मिर्ची का पाउडर और इसमें हमने आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच अजवाइन डालकर और बस थोड़ा थोड़ा सा पानी डालते हुए एक पतला सा बैटर तैयार कर लेना है। ज़्यादा गाढ़ा भी ना हो, ज़्यादा पतला भी ना हो। और ये देखिए, पानी हम थोड़ा थोड़ा करके ही डालेंगे, जिससे कि इसमें लम्स ना पड़े। और बस देख सकते हो कितना अच्छा सा ये हमारा बैटर तैयार हो चुका है। ये देखिए, पानी की ज़रूरत पड़े तो थोड़ा सा और डाल सकते हैं, लेकिन ज़्यादा पतला भी बैटर नहीं रखना है, ना ही ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए। अच्छी तरह से रोल इसमें हम डुबो सकें। और ये देखिए, ब्रेड में जो साइड के ब्राउन भाग है उसको हम चाकू की सहायता से काट कर निकाल देंगे। सारे ब्रेड को हम इसी तरह से काट लेंगे। कुछ इस तरह से आप देख सकते हो कि हम सारी ब्रेड का जो ब्राउन पार्ट है वो निकाल देंगे। चारों तरफ से निकालने के बाद में ये जो कटा हुआ भाग है, ये भी हम कहीं ना कहीं यूज कर लेंगे। कई जगह पर ऐसी हमें ज़रूरत पड़ती है। आइए अब हम ब्रेड को अच्छी तरह से बेलन की सहायता से बेल लेते हैं। ये देखिए, बेलना ज़रूरी इसलिए है कि हमें जब हम ब्रेड का रोल करते हैं तो ये टूटेगा नहीं और एक बढ़िया सी पतली लेयरदार ये ब्रेड तैयार हो जाएगी। इसी के अंदर हमें मसालेदार आलू को फिल करना है। तो ये देखिए, बस इसी तरह से बेल कर सारे ब्रेड हमें तैयार कर लेने हैं। तो ब्रेड तो हमारा बेल कर तैयार हो चुका है। आइए अब इसमें हम फिलिंग के लिए जो हमने आलू तैयार करके रखा है उसे देख लेते हैं। ये देखिए, ब्रेड को कुछ इस तरह से बेलने के बाद अब हम इसमें चाहें तो आप साइड से पानी लगाएं, जिससे कि बड़ी आसानी से ये चिपक जाता है। और यदि ऐसे भी मोड़ना चाहें तो मोड़ सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी दिक्कत आती है। पानी लगाकर मोड़ेंगे तो अच्छा रहेगा इसके अंदर आलू रखते हुए। और बस इस तरह से हम इसे फोल्ड कर लेंगे। ये देखिए, एक रोल सा तैयार हो जाता है। बस अच्छी तरह से चिपका लेना है। पानी लगाने के बाद ये अच्छी तरह से चिपक जाता है। और बस इसे इसी तरह से रोल करते हुए सारी ब्रेड को हमें तैयार कर लेना है। और अब हम इस रोल को, ये देखिए, एक तरफ कढ़ाई में हमारा तेल गर्म हो रहा है और तेल बिल्कुल मीडियम आंच पर ही होना चाहिए। ज़्यादा तेज गर्म तेल नहीं यूज करना है हमें, बिल्कुल मीडियम आंच रखकर ही इन्हें पकाना है। तो बस इस तरह से बेसन में हम अच्छी तरह से डिप करेंगे और उसके बाद में कढ़ाई में डालते जाएंगे। कुछ इस तरह से देख सकते हो कितना बढ़िया से बिल्कुल मीडियम आंच पर ये हमारे रोल पक रहे हैं। हम जितना आंच को धीमा रखेंगे ये हमारे रोल उतने ही बढ़िया अंदर से क्रिस्पी होते हुए पकेंगे। और देख सकते हो कि इन्हें पकने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, बस 2 से 3 मिनट में ही ये अच्छी तरह से पककर तैयार हो जाते हैं। बस उलटते पुलटते हमें इन्हें पका लेना है। कुछ इस तरह से देखिए, जैसे ही गोल्डन ब्राउन कलर आने लगता है, बस हम रोल को पलटते जाएंगे। चारों तरफ से हमें एक सार ही सेक लेना है और बस जैसे जैसे जो भी रोल पकता जाए उसे आप निकालते जाएं। ये देखिए, मैंने तो निकाल लिया है और जो रोल अभी थोड़ा सा कसर बाकी है उसे हम पकाते हैं। और ये देखिए कितना बढ़िया हमारे ये ब्रेड रोल बिल्कुल गोल्डन ब्राउन कलर इनमें आ चुका है। बस इसी तरह से पकाना है। जो दूसरे भी हैं वो भी हमारे पक चुके हैं। आइए अब हम उन्हें भी निकाल लेते हैं।
ये देखिए बहुत ही टेस्टी ये रोल बनकर तैयार होते हैं। आप इवनिंग स्नैक्स के लिए ये रोल तैयार कर सकते हैं। ये आप हरी चटनी के साथ या लाल चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं, और जब भी आपका दिल करे तो आप चाय के साथ भी इसे सर्व कर सकते हैं। कितने बढ़िया हमारे ये ब्रेड रोल तैयार हुए हैं। तो दोस्तों, ये ब्रेड रोल एक बार आप ज़रूर ट्राई करना, कमेंट करके बताना कि ये ब्रेड रोल आपको कैसे लगे, और चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लेना। थैंक यू, धन्यवाद।